कन्या भ्रूण हत्या अभिशाप को रोकने के लिए भारत में सख्त कानून है और इसी का नतीजा है कि पीसीपी एनडीटी अधिनियम जैसे सख्त कानून के चलते कहीं ना कहीं विगत कुछ वर्षों में कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाई जा सकी है। लेकिन आज भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इतने गंभीर मामले को हल्के में लेते हैं या फिर लापरवाही बढ़ाते हैं, जिसके चलते सोनोग्राफी जैसे मामले में बड़ा हेरफेर हो रहा है। ऐसा ही चूरू जिले के सरदार शहर में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर राजकीय अस्पताल के पीछे स्थित एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में एक फर्जी डॉक्टर 10 दिनों तक गर्भवती महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता रहा। इस सेंटर में एक व्यक्ति ने तेलंगाना राज्य में काम कर रहे डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा के डॉक्यूमेंट चुराकर फर्जी तरीके से सीएमएचओ को अपने डॉक्यूमेंट बताकर सोनोग्राफी करने की परमिशन ले ली। फर्जी डॉक्टर को 2 जनवरी को सोनोग्राफी करने की परमिशन चिकित्सा विभाग की ओर से मिल गई, जिसके बाद वह लगातार सोनोग्राफी करने लगा। लेकिन जब वास्तविक डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा का पता लगा, तब उन्होंने तुरंत तेलंगाना से चूरू जिला कलेक्टर, सीएमएचओ चूरू और अन्य अधिकारियों को शिकायत की। तब जाकर इस मामले का यह खुलासा हो सका है। जब डॉक्टर प्रवीण कुमार अजमेरा की सेंटर संचालक से बात की तो वह भी गोल गोल जवाब देते हुए नजर आए। कंप्लेंट की किसी ने मेरा फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर और ये रन कर रहा है सेंटर, तो उस पर चेक कर और जो व्यक्ति कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई करी है। उस सेंटर को सीज किया है अभी और फर्दर जो कार्रवाई है पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत वो की जाएगी। जी बिल्कुल, पीसीपी एनडीटी के तहत ही इस पर कार्रवाई की है और इस तरह के जो मामले हैं अगर नहीं रोके गए तो ये वाकई एक भ्रूण हत्या वाला कार्यक्रम हो जाता है। और क्योंकि वो डॉक्टर भी नहीं है तो उसको कोई ज़्यादा डर भी नहीं होता इस तरह का, तो इस पर बहुत अच्छे से कार्रवाई की जाएगी और आगे जहां तक भी इसकी कार्रवाई होनी है वो की जाएगी। सोनोग्राफी जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्यूमेंट के आधार पे अपन सोनोग्राफी के परमिशन देते हैं। रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्यूमेंट संस्थान द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसी का पीसीपी एनडीटी एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सर, डॉक्टर की कोई वेरिफिकेशन होता है इसमें? डॉक्टर को बुलाया जाता है व्यक्तिगत या कोई आधार कार्ड वगैरह? नहीं सर, डॉक्टर को नहीं, अपने को डॉक्टर्स के संबंधित डॉक्यूमेंट एफिडेविट जो भी संस्थान है वो प्रोवाइड करवाता है। सर, डॉक्टर की कोई मेडिकल फिजिकल नहीं होता, कोई आधार कार्ड चेक नहीं होता? डॉक्टरों का फर्जी डॉक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता कुछ? नहीं, आज दिन तक तो ऐसा कोई मामला आया नहीं। ठीक है, जो जहाँ पे कोई इस तरीके की कोई बात, पिछले 6 महीने पहले मैं नोहर राजस्थान में, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ जयपुर डायग्नोस्टिक में काम किया था। वहाँ 6 मंथ्स काम करने के बाद मैं राजीनामा देके, इधर मेरा ओन स्टेट है तेलंगाना, इधर मैं आ गया, यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। अभी अनफॉर्चुनेट बात सुनी दिया है, जो सेकावटी डायग्नोस्टिक सेंटर है वो आमिर खान और लतीफ खान दोनों भी चलाते हैं, वो सरदार शहर टाउन में है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसमें क्या क्या है, ये लोग ने अपने पेपर्स, मेरे जो बायोडाटा पेपर्स, मेरा जो आधार कार्ड, मेरे जो डिग्री सर्टिफिकेट्स, राजस्थान मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ये सब वो लोग चुरा के, या कोई कंसल्टेंट दिया है, या कोई डॉक्टर दिया है, क्या ओल्ड वर्किंग प्लेस से ये लिए हैं, इसका प्रूफ मेरे पास है ही नहीं।